मतगणना में एजेंट बनने के लिए कोरोना जांच अनिवार्य किए जाने पर सीएससी रसड़ा पर लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद 2 मई को प्रस्तावित मतगणना में एजेंट बनने के लिए प्रशासन द्वारा कोरोना जांच अनिवार्य किए जाने पर सीएससी रसड़ा पर गुरुवार को सुबह 8 बजे से ही कोरोना जांच के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 11-12 बजते बजते लगभग यह भीड़ 500 के करीब पहुंचने लगी और जांच की रफ्तार काफी धीमी होने तथा तेज धूप के बीच एजेंट बनने की ख्वाहिश वाले लोगों में आक्रोश भी बढ़ने लगा। जांच दुर्व्यवस्था के बीच जांच की समाप्त हो जाने की सूचना पर जांच कराने आए लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। कई बार तो हंगामे भी शुरू हो गए। जांच कराने से वंचित लोगों का कहना है कि भीड़ के बीच यदि कोरोना नहीं भी है तो हम लोग कोरोना के शिकार हो जाएंगे। शासन या तो इस आदेश को वापस ले अथवा जांच की समुचित व्यवस्था कराए ताकि आसानी से कोरोना की जांच संभव हो सके। ये थी अखिलेश सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार राजभर। किस गांव से आए हुए हैं? मुड़ेरा से। मुड़ेरा से क्यों आए हैं, क्या मामला है? ये काउंटिंग एजेंट बनने के लिए कोरोना टेस्ट सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। हाँ। तो सामुदायिक स्वास्थ्य के रसड़ा में सुबह 8 बजे से आए हैं कि हम लोग की जांच हो जाए और ताकि हम लोग एजेंट बन जाए। और सुबह से लाइन लगी है लेकिन कह रहे हैं 50 की जाँच हुई और कह रहे हैं कि किट है ही नहीं और अभी आने की कोई आशा भी नहीं है। किस दिन काउंटिंग होने वाली है? 2 तारीख को काम। 2 तारीख को तो क्या लग रहा है, क्या किट आ जाएगी, आप लोग का टेस्ट हो जांच हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? हमें तो नहीं लग रहा है कि इस तरह जांच होगी तो सभी की कोरोना टेस्ट हो जाएगा। कितनी की संख्या होगी लगभग यहाँ पे? लगभग 500 के बीच में। ठीक।